सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, तमाम सरकारी मुलाजमीन को ईद बोनस देने का फ़ैसला किया है। अब ये बोनस किन सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताता हूँ। तो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत ने तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए ईद अलाउंस का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए ईद अलाउंस का ऐलान कर दिया। ग्रेड 1 से 15 के लिए 1 बुनियादी तनख्वाह और ग्रेड 16 से 22 तक के लिए आधा बुनियादी तनख्वाह मुख्तस कर दी है। अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वफाकी हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, वफाक के जितना भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको ईद बोनस देने का फ़ैसला किया है। 1 से लेकर 15 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आधी तनख्वाह है और उसके बाद तनख्वाह बुनियादी तनख्वाह 1 बुनियादी तनख्वाह है और ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए बुनियादी तनख्वाह का आधा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।